नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए MCX, और देखिए तीन एक्सचेंज में, जैसे BSE हो गया, MCX हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो NSE हो गया। इस तीनों एक्सचेंज में BSE और MCX मार्केट में लिस्टिंग है, तो MCX जो है वो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो BSE और जो MCX है, इस दोनों कंपनी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस दोनों कंपनी में आपको पिछले दिनों में एक बिग फॉल देखने को मिला था। BSE में 13% के आसपास क्रैश हो गया था एक दिनों में, और MCX के ऊपर भी करेक्शन हुआ था, मगर वो लास्ट में रिकवरी करके 2.5% के आसपास लॉसेस में क्लोजिंग हुआ। तो ऐसे क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों सिचुएशन बना, वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले बता दूं कंपनीज के ऊपर कि जो जितने सारे एक्सचेंज था सॉरी था नहीं जितने सारे एक्सचेंज है, वो सारे एक्सचेंज को एक चार्जेस सेबी को देना पड़ता है। तो सेबी ने पिछले दिनों में एक अपडेट लेकर आए कि जो चार्जेस है सेबी का, जो नया अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया पिछले दिनों में कि व्हाई सेबी हैंडेड ओवर 165 करोड़ बिल्स BSE एंड हाउ इट इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि सेबी ने 165 करोड़ के आसपास बिल थमा दिया, किसको, BSE को। और BSE को सिर्फ नहीं थमाया, जितने सारे एक्सचेंज है उसको भी इसका झटका लगा है। क्योंकि देखिए सेबी ने क्या रूल्स लागू किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए कोई भी अपने 10 रुपये का प्रोडक्ट खरीदारी किए और उसका कीमत 100 रुपीज़ है। अभी 10 रुपये का जो प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ में, मतलब सॉरी 10 रुपये, 10 क्वांटिटी खरीदारी की है 100 रुपीज़ के कीमत में, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना होगा, 1000। तो पहले कितना चार्जेस देना पड़ता था सेबी को, जो एंटी कस्टमर ने लिया उसी के ऊपर चार्जेस सेबी को देना पड़ता था। अभी टोटल जो टर्नओवर है सेबी बता रहा है कि इसके ऊपर मुझे चार्जेस देना पड़ेगा। तो सोचिए जो 10 रुपये का चार्जेस देना था, अभी वो 1000 रुपये के ऊपर चार्जेस देना होगा, तो ऑब्वियसली झटका लगेगा। तो BSE और NSE और MCX के ऊपर, सॉरी NSE के ऊपर, इस तीनों जो एक्सचेंज है, इस तीनों एक्सचेंज के ऊपर इसीलिए झटका लगा। और मुझे लगता है ये झटका डायरेक्टली एक्सचेंज के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज तो खुद का जेब से इस पैसा नहीं भरेंगे, वो कस्टमर के ऊपर, वो इस सारे डेटा उस कस्टमर के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस ट्रेड करते हैं, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट होगा, क्योंकि उसको एक ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यही कारण की वजह से MCX के ऊपर एक बड़ा प्रेशराइज पिछले दिनों में भी देखने को मिला, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज के ऊपर अगर बड़ा कोई न्यूज़ आए तो बाकी एक्सचेंज के ऊपर भी एक नेगेटिव न्यूज सेंटीमेंट क्रिएट हो ही जाते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार कंपनी शानदार रिजल्ट पब्लिश किया, 134 करोड़ से 180 करोड़ के आसपास देखने को मिला, बेस्ट तरीके से कंपनी का सेल्स देखने को मिले हैं, और एक्सपेंस को कंपनी बहुत हद तक कम किया। मान लेता हूँ पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी का सेल्स कम हुआ, मगर कंपनी एक्सपेंस को इतना हद तक कम किए जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ के आसपास था वो 88 करोड़ के आसपास बना, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो जब नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से है, उस कंपनी के ऊपर ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने का चांसेस है। अभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसी के बारे में बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए, और अब कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो के आसपास है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो मैं MCX के ऊपर इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर ये भी नोटिस करेंगे कि कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, चाहे वो FS हो, चाहे वो DIS हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी व्यक्ति के पास होल्डिंग है। मान लेता हूँ प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा होल्डिंग किसके पास है, FS और DIS के पास, सबसे ज़्यादा होल्डिंग तो DIS के पास है। अभी DIS मतलब कौन कौन DIS में इन्वेस्ट करके रखे वो भी देख लीजिए, कोटक महिंद्रा बैंक, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी है, साथ ही साथ जो मतलब पराग फिक्सेबल फंड ये भी इसके ऊपर होल्डिंग करके रखे हैं, साथ ही साथ जो PPF फंड्स है वो भी इसके ऊपर निवेश किया, साथ ही साथ पराग परिक फिक्सेबल फंड इसके ऊपर निवेश किया, निपोन लाइफ, टाटा AIA लाइफ, टाटा के कुछ म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्ट किया, HSBC जो कंपनी है वो भी इन्वेस्ट किया, फ्रैंकलिन भी इन्वेस्ट किया। तो इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है। अब इस कंपनी के ऊपर मेरा क्या अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ। तो फाइनली देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होने के बाद कंपनी इस जगह पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक बार जब रिटेस्ट किया तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया, और जब एंट्री बना था तब उसके बाद नीचे भी आए, और मैंने आपको बताया कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इस लोअर कैंडल के नीचे। तो स्टॉप लॉस होने से पहले देखिए यहाँ से बाउंस बैक किया,
और जो पैटर्न केड हुआ वो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न केड हुआ। तो जब भी कोई इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न केड होता है और अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो सोचना इजीली वो टारगेट को अचीव ना कर पाए, टाइम लगाकर भी वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले दिन में नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी एक पॉजिटिवली कैंडल क्लोजिंग हुआ अपसाइड में, तो एक हैमर जैसे कैंडल क्लोजिंग हुआ, इसका मतलब वो टारगेट देकर ही छोड़ेंगे। तो अगर यहाँ पे टारगेट होता है तो मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिलने का चांसेस है। और एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक मार्किंग करूँ, एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मार्किंग करूँ तो एटलीस्ट 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो रिजल्ट में पॉजिटिविटी तो है, फिर भी एक बड़ा वीकनेस पॉइंट भी है और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। अभी सबसे पहले मैं आपको कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ। देखिए मेरा जो एंटी है वो कुछ इस तरीके से बना था, कप विद हैंड पैटर्न्स में एंटी बना था। और एंटी बनने के बाद देखिए कंपनी के जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 120 रुपीज़ के आसपास, और 120 रुपीज़ का टारगेट तो है, मगर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी जो इस लेवल को ब्रेकआउट किया उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी नीचे आए, नीचे आने के बाद एक रेंज क्रिएट किया। अगर मैं इस रेंज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रांगली क्या बना था, एक रेजिस्टेंस बना था। अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए पिछले दिन में जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद एक बिग फॉल देखने को मिला, तो ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इतना बड़ा फॉल देखने को मिले? तो रिजल्ट आने के बाद इतना बड़ा फॉल देखने को मिला इसी कारण की वजह से, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से बने, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर मैं बता दूँ या इस लेवल को ब्रेकआउट करके वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो 120 तक जाने का वो चांसेस रखेंगे, तो 120 तक जाने का वो चांसेस यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अगर मैं इस चीज़ों के बारे में बात करूँ कि कंपनीज के ऊपर यहाँ पे पिछले दिनों में रिजल्ट आने के बाद भी इतना बड़ा फॉल क्यों दिखा, चलो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कंपनी के जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिछले साल का जो सेल्स था उससे कंपनी के इस बार सेल्स ज़्यादा हुआ, मतलब रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी के जो मतलब इंटरेस्ट और एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा देना पड़ा, क्योंकि एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ और इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा। और सारे कारण के वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए 800 करोड़ से 700 करोड़ बन चुके हैं, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। पिछले क्वार्टर्स के तुलना भी सेम टू सेम हुआ और पिछले सालों के तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, चलो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी के अगर रिजल्ट शीट में गए तो मुझे एक चीज़ों को नोटिस मैं आपको कराऊंगा, वो है कंपनी के एनपीए। अगर कंपनी के एनपीए के बारे में बात करूँ, जो पिछले सालों में एनपीए था वो 0.86% के आसपास था, इस बार वो एनपीए हो चुके 0.60% के आसपास, मतलब एनपीए तो ठीक ठाक है। पिछले क्वार्टर में था 0.68 के आसपास, मतलब ईयर पीयर बेसिस में, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपनी के एनपीए कंट्रोल में रखे, तो एनपीए कंट्रोल में है। मगर कंपनी के सबसे जो वीकनेस पॉइंट है वो है कंपनी का प्रोविजन। अगर प्रोविजन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो प्रोविजन है वो किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिले। कंपनी का प्रोविजन जो है पिछले साल में था 48,000 के आसपास और पिछले क्वार्टर्स में था 65,000 के आसपास और अभी कितना हुआ 72,000 के आसपास, मतलब कंपनी के जो प्रोविजन है बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। तो प्रोविजन जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बढ़ेगा और यही कारण के वजह से मैं कंपनीज के ऊपर मैं जो थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ वो थिंकिंग अभी पॉजिटिव तो है। हाँ एक पॉइंट नेगेटिव हुआ इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया इसके सोचकर मैं एग्जिट कर लूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ और कारण किस कारण से गिरावट हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो देखिए कंपनी की स्ट्रांगली यहाँ से रीबैक करने का कोशिश वो कर सकते हैं, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। तो KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर देखिए मार्केट कैप जो है वो 11,400 करोड़ के आसपास है। कंपनी का ROC ROE जो है वो दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी के PE रेशियो 70 के आसपास है। कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी के जो डेप्थ है वो ऑब्वियसली एक पॉजिटिवली डेप्थ देखने को मिला, बहुत ज़्यादा कंपनी डेप्थ लेकर चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं बहुत बार आपके साथ शेयर करूँ। अगर फाइनली जो इस बार डेटा देखने को मिला वो मुझे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के सेल्स देखिए पिछले साल के तुलना से कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। मतलब क्या है, हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले एस्टिमेट किया जाता है, तो एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी इस बार उसको बीट नहीं कर पाए। और प्रॉफिट भी देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस में कम हुआ और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ज़्यादा हुआ, और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कम प्रॉफिट होने के कारण शेयर में एक मैसिव करेक्शन देखने को मिला। वो करेक्शन किस तरीके से हुआ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद वो ऊपर गए थे और मुझे लग रहा था वो इजिली वो इस लेवल को टच करके टारगेट अचीव करेंगे। उससे पहले देखिए लोअर सर्किट बनकर नीचे आ रहा है। आपको शायद कैंडल ना दिखे, मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोअर सर्किट का कैंडल है
तो जस्ट एक लाइन दिखेगा, तो यहाँ पे लोअर सर्किट बना और यहाँ पे भी लोअर सर्किट बना। क्यों बना? रिजल्ट आने के बाद, जिस दिन रिजल्ट आया था इस दिन, और रिजल्ट आने के बाद ही नेक्स्ट डे से ही कंपनी के ऊपर लोअर सर्किट देखने को मिले। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि लोअर सर्किट बन रहा है तो बिग क्रैश दिखेगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी का वॉल्यूम देखिए, जो लोअर सर्किट बन रहा है उस टाइम वॉल्यूम बहुत वीक है, मतलब जो सेलर है उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो बायर ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ से रीबैक करने का, इस सपोर्ट को टच करने के बाद वो रीबैक करने का कोशिश कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, पहले ही आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है निधि जो ग्रेनाइट लिमिटेड है। इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो ऊपर अपडेट है बोनस का, एक के बाद एक शेयर कंपनी बोनस देने वाले, और वो भी 2 तारीख को आपको बोनस मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो वीडियो को जानकारी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, और आपके कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, कौन सा लेवल में है, कितने प्राइस में है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज़ में रहते हैं। किसी भी तरह से मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।